Hello everyone, I am Advocate Satnam Singh Thakur and today I will teach you how to draft anticipatory bail. So let's start. सबसे पहले anticipatory bail, इसका second नाम होता है pre-arrest bail. तो pre-arrest bail से हमें पता लग रहा है कि arrest होने से पहले एक accused जब person जिसके against FIR हुई है वो court को approach कर सकता है. तो in which provision it is mentioned about anticipatory bail? तो under section 438 criminal procedure code anticipatory bail के बारे में mentioned है. तो हम कौन सी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट हमारा कोर्ट कि इन विच कोर्ट यू कैन फाइल एंटीसिपेटरी बेल. तो इधर यू कैन फाइल इट बिफोर द सेशंस कोर्ट और बिफोर द हाई कोर्ट, बट इन सेक्शन 438 ये मेंशन किया हुआ है कि आप दोनों में से किसी भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो. सो इट मींस आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो, बट इन द रियल प्रोसीजर जो कोर्ट में फॉलो हो रहा है वो है कि आप सबसे पहले सेशन कोर्ट को अप्रोच करिए. अगर आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो जजेस का हमेशा यही क्वेश्चन रहता है कि आपने सेशन कोर्ट को क्यों नहीं अप्रोच किया. ऑल्दो यू कैन अप्रोच हाई कोर्ट डायरेक्टली, बट इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस. नेक्स्ट पॉइंट है इनग्रेडियंट्स. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइलिंग एंटीसिपेटरी बेल? सबसे पहले there must be apprehension. Apprehension means जो person और जो accused है जिसके against FIR हुई है, जब जिसे लगता है उसे apprehension होनी चाहिए कि वो arrest कर सकती है उसे police arrest कर सके, that is apprehension कि वो arrest होगा. Second point, there must be FIR और complaint जिससे आपको apprehension हो रही है कि इस document में ये मेरे against allegations हैं and that's why I can be arrested by the police. अगर ये चीज नहीं है तो वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती, उसे ब्लैंकेट बेल बोलते हैं अगर आपको एफआईआर का पता ना हो. अबाउट दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो. माय नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट अरेस्ट. एज आई सेड बिफोर, अरेस्ट नहीं होना चाहिए पर्सन. अगर अक्यूज अरेस्ट हो चुका है तो वो एंटीसिपेटरी बेल की आपकी रेमेडी खत्म, देन यू कैन फाइल रेगुलर बेल अंडर सेक्शन 439. नेक्स्ट पॉइंट इज एंटीसिपेटरी बेल हमेशा ही नॉन वेलेबल ऑफेंसेस में फाइल की जाती है और इसके रिगार्डिंग 438 सेक्शन में मेंशन है अगर वेलेबल ऑफेंस है तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल लेने की आपकी जरूरत नहीं है, दैट इज योर राइट टू गेट द बेल. सो नॉन वेलेबल ऑफेंस, पर्सन मस्ट नॉट बी अरेस्टेड, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट एज आई सेड बिफोर दैट इज एप्रीहेंशन एंड एफआईआर और कंप्लेंट जिसमें आपको एलिगेशन पता होने चाहिए आपके अगेंस्ट क्या है. एंड नेक्स्ट, what are the grounds? Grounds means on what basis court can grant you anticipatory bail और court क्या चीजें consider करती है anticipatory bail देने से पहले. सबसे पहले offence, gravity of offence कि कौन सा offence हुआ है. For example अगर 307 of IPC है और 302 है तो it's a grave offences. ऐसे और बहुत सारे offences हैं जिसमें court देखते हैं कि इसमें anticipatory bail नहीं लेता है court usually. और कुछ ऐसे circumstances show करने पड़ते हैं जिससे आप बहुत ही चांसेस कम हो, ब्लीकनेस हो चांसेस की कि आप अरेस्ट नहीं हो सकते तो कोर्ट आप ग्रांट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीवियस रिकॉर्ड. हिस्ट्री चेक करते हैं कि जो अक्यूज पर्सन है और द एप्लीकेंट जो कोर्ट को अप्रोच कर रहा है क्या उसकी हिस्ट्री है, उसने वो हैबिचुअल है ऑफेंस करने का, उसके अगेंस्ट और भी एफआईआर है, फर्स्ट टाइम ऑफेंस कर रहा है, तो ये चीजें कोर्ट कंसिडर करता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज मस्ट नॉट बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऑफ स्कैंडल. रिगार्डिंग दिस इट इज मेंशन अंडर सेक्शन 438 कि अगर कोई पर्सन जो अक्यूज्ड है कोर्ट को अप्रोच कर रहा है एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो एब्सकॉन्डर नहीं होना चाहिए और ना ही वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होना चाहिए. रिगार्डिंग प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, सो ये थी हमारी आज की वीडियो ऑन एंटीसिपेटरी बेल. अगर आपको इसमें कुछ भी यूजफुल लगा और आपने कुछ सीखा है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सपोर्ट अस, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर इसमें आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगती है देन वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट नेक्स्ट टाइम एंड प्लीज मेंशन इट बिलो इन द कमेंट्स. जय हिंद.